क्लास 11 के डियर स्टूडेंट्स, हम लोग उसमें पढ़ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। पिछले क्लास में हमने आपको तमाम बातें बताई हैं। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको कुछ वीडियो जैसे भेजेंगे इसके पहले, इसमें एसिड्स के बारे में, एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, मोलर मास क्या होते हैं, एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, उनके इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड किए जाते हैं, वो सारी वीडियोस इसके पहले आपको भेज दी जाएंगी। अब आज हम थोड़ा सा बात आपसे करने वाले हैं। हालांकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री होता है वो इनफैक्ट 9th-10th का शार्ट में मेन बातों का रिविजन होता है। तो वही सारी बातें हैं, जो सारी बात आप 9th-10th में पढ़े भी थे, वही सब क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में आपको देखने को मिल रहा है। तो लेकिन उनका जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए एक्सपर्ट्स ने आपको 11th के सिलेबस में वो सारी बातें दिया है। आज मैं आपको थोड़ा सा एटम से संबंधित कुछ बातें आपको मैं बताने जा रहा हूँ, उनको जरा ढंग से आप देखिए, समझिए, और जो डाउट होगा अपने क्लास में उसको देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको एटम की बात जरा रिवाइज करा दें। एटम या परमाणु क्या होता है हम सब लोग जानते हैं। एक बात, एक डिफिनेशन थी कौन सी, डाल्टन साहब की, और डाल्टन ने क्या कहा था, डाल्टन ने कहा थे, सारी बात आप जानते हो, जस्ट मैं आपको रिमाइंड भर करा रहा हूँ, आप सब जानते हैं, सब 9th क्लास में पढ़े हुए हैं और सब 11th में आया है। तो डाल्टन ने क्या कहा था, डाल्टन ने कहा था कि परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। ये बात आपने पढ़ा था। इसमें दो बात ध्यान देने की थी। पहली बात क्या था, सूक्ष्मतम कण मतलब उससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता, छोटा वही है। और फिर कहा था जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ये बात कहा था। तो याद करिए, जब अपना आप जानते हैं हमारा जो साइंस है वो तो डेली एडवांस होने वाली चीज़ है, दुनिया भर के साइंटिस्ट लोग उसमें रिसर्च कर रहे हैं, तो नई नई बातें सामने वहाँ पे आ रही हैं। तो बाद में पता चला कि नहीं भाई, आपकी ये दोनों बातें जो हैं उसके एक्सेप्शन हैं। जैसे आपके जब रदरफोर्ड साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था, याद करो क्लास 9th का रदरफोर्ड वाला अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़े थे, तो वहाँ पे रदरफोर्ड ने कहा था कि नहीं, परमाणु जो है वो द्रव्य का सूक्ष्मतम कण नहीं है, बल्कि वो तीन प्रकार के और छोटे छोटे कणों के मिलने से बना हुआ है, जिसे हम लोग मूल कण कहते हैं, बात हम लोग पढ़े हुए हैं। तो अगर कोई पूछे कि डाल्टन के परमाणु की परिभाषा में क्या दोष था, तो आप कहेंगे क्या कि डाल्टन के परमाणु की परिभाषा में कहा गया था कि परमाणु क्या है, सूक्ष्मतम कण है, सबसे छोटा कण है, जबकि ऐसा होता नहीं है। परमाणु से भी छोटे उसके मूल कण होते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। परमाणु से भी छोटा उसका नाभिक होता है। और दूसरी बात जो डाल्टन ने कहा था कि जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, इसका भी आप जानते हैं आज डेट में अपवाद है। आप जानते हैं कि तमाम जो निष्क्रिय गैस है, आपने पढ़ा होगा ना, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, ज़ीनान और रेडन, तो वो जो निष्क्रिय गैसें होती हैं उनके परमाणु आप जानते हैं कि वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, ये दोनों उनकी डिमेरिट थी। तो बाद में जब नया रिसर्च हुआ, नई नई बातें सामने आई, तो परमाणु की आधुनिकतम परिभाषा दी गई, और वो परिभाषा क्या थी, याद करिए, क्या बताया जाता है कि परमाणु द्रव्य का सूक्ष्म कण है, सूक्ष्मतम नहीं, सूक्ष्म कण है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। लेकिन इस परिभाषा का भी अपवाद है, जो आपका नोबल गैसें, जो निष्क्रिय गैसें हैं, उसमें तमाम के परमाणु जो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं वो क्रिया नहीं करते हैं। इस तरह से परमाणु आप जान गए। फिर मैं आपको अगर थोड़ा सा याद दिला दूं, तो परमाणु में जब रदरफोर्ड का प्रयोग हुआ था, क्या मिला था कि परमाणु में, याद करिए, वहां पर कहा था कि केंद्रीय भाग होता है जिसका घनत्व बहुत अधिक होता है, जो धनावेशित होता है, और बताया गया था इसमें धनावेशित यहाँ पर प्रोटॉन पाए जाते हैं और उदासीन यहाँ पर न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये बात हम लोगों ने पढ़ा था। और इस भाग को हम लोगों ने क्या कहा था, इस भाग को हम लोगों ने नाभिक नाम दिया था, या न्यूक्लियस, नाभिक या न्यूक्लियस इसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये हम लोग पढ़े हुए, याद करिए, सारी बात मैं रिविजन जस्ट करा रहा हूँ, नाभिक। फिर बताया क्या गया था कि अगर परमाणु में तीन प्रकार के मूल कण हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक में है, इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, तो उसके लिए बताया गया था, याद करिए, कि परमाणु के नाभिक के चारों तरफ इस तरह से वहां पे बंद वृत्ताकार वहां पर मार्ग होते हैं, ये, और इन्हीं बंद वृत्ताकार मार्गों में लगातार इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चक्कर लगाते रहते हैं, और इन्हीं बंद वृत्ताकार मार्गों को हम लोगों ने क्या कहा था, हम लोगों ने कोष कहा, याद करिए, कोष, यही कोष या सेल है,
इसी को हम लोग पूरा का माने, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सबको क्या कह दें, उसको हम यहाँ पर कोष कहते हैं, या अंग्रेजी में हम लोग उसको सेल कहते हैं, सेल या ऑर्बिट भी कहा जाता है। तो इस तरह से सेल या ऑर्बिट आप इनको समझिए। नंबरिंग आपको पता ही है कैसे करते हैं, या तो इंग्लिश के कैपिटल लेटर से, कैसे, के एल एम एन ओ पी ऐसे करते हैं, या फिर इंग्लिश के लेटर्स कैसे 1 2 3 4 ऐसे करते हैं, तो बताया था मैंने आपको। मान लो इसको पहले हम लोग के कोस कहेंगे, इसको एल कहेंगे, इसको एम कहेंगे, इसको एन कहेंगे, और आगे आएगा उसको हम ओ कह देंगे, और आगे आएगा उसको हम पी कह देंगे, यही सब था ना। और नंबरिंग करना हो कैसे करेंगे, के कोस को हम लोग 1 कोस कहेंगे, एल को हम 2 कहेंगे, एम को 3rd कोस कहेंगे, एन को हम 4th कहेंगे, ओ को हम 5th कहेंगे, पी को हम क्या कहेंगे 6th कोस कहेंगे। तो इस तरह से हमारे पास इनकी नंबरिंग होती है। अब इसमें एक बात थोड़ा सा आपको ढंग से समझना है, वो ये कि किसी भी परमाणु में, याद रखिए, किसी भी परमाणु में इन कोसों की संख्या समान नहीं होती, हर परमाणु में कोषों की संख्या बराबर बराबर नहीं होती है, भिन्न भिन्न परमाणुओं में कोषों की संख्या जो होती है भिन्न भिन्न होती है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि मान लो किसी का परिवार बड़ा छोटा है, खाली 2 ही लोग हैं, और किसी के परिवार मान लो बड़ा है वहाँ पर 20 लोग रहने वाले हैं, किसी का परिवार और बड़ा है उसमें 100 लोग रहने वाले हैं, तो क्या हर परिवार को रहने के लिए बराबर कमरों की या घरों की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं, जिसका परिवार छोटा होगा उसके लिए कम कमरों की आवश्यकता होगी, कम कमरों के मकान की आवश्यकता होगी, छोटे मकान की आवश्यकता होगी। जिसका परिवार थोड़ा और बड़ा होगा उसके लिए थोड़ा सा और बड़े मकान यानी कि अधिक कमरों के मकान की आवश्यकता पड़ेगी, और जिसका परिवार बहुत बड़ा होगा उसको और बड़ी मकान चाहिए, इसमें ज्यादा कमरे हों। याद रखिए इस सेल या कोष होते क्या हैं, इलेक्ट्रॉनों के घर ही तो हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं, तो जिस परमाणु के पास कम इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए कम कोष चाहिए, जिसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ज्यादा बड़ा मकान, ज्यादा कमरों वाला मकान चाहिए। तो इसको मैं थोड़ा सा फट से जोड़ता हूँ आपके आवर्त सारणी से, और आवर्त सारणी आप लोग पढ़े हुए हैं इसलिए इसमें कंफ्यूज मत करिएगा, याद करिए। आवर्त सारणी में आपको पढ़ाया गया है कि आवर्त सारणी में कुछ ऐसे ऐसे 36 होते हैं ना, 36 खाने ऐसे होते हैं ऐसे, और इन 36 खानों की संख्या आप लोग पढ़े थे कुल कितनी होती है आवर्त सारणी में, 7 होती है। तो अगर मैं इसको ऐसे दिखा लूं तो हमारा फर्स्ट हो गया, और आपको बताया गया होगा कि जो 36 खाने इसको हम लोग आवर्त कहते हैं, आवर्त या पीरियड कहते हैं, आवर्त की इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं हिंदी में आवर्त, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पीरियड्स। तो अंग्रेजी के शब्द भी आप याद करिए काम आएगा। ये हमारा फर्स्ट पीरियड हो गया, ऐसे हम लोग कहें हम लोग का सेकेंड पीरियड हो जाएगा, ये हम लोग का थर्ड पीरियड हो जाएगा, ये हो गया फोर्थ पीरियड, ऐसे ही आप जानते हैं इसके नीचे हम लोग का हो जाएगा फिफ्थ पीरियड, ये वाला हम लोग का हो जाएगा सिक्स पीरियड, और ऐसे ये हम लोग का हो जाएगा सेवन्थ पीरियड। याद रखिए आवर्त सारणी में ही आपने पढ़ा था कि कुल आप कितने 36 खाने होते हैं, 7, इन 36 खानों को क्या कहते हैं हम लोग, आवर्त या अंग्रेजी में पीरियड्स कहते हैं। अब फिर आपने ऐसे ऐसे आपने खड़े खड़े खाने बनाए होंगे, आपने दो उदाहरण खाने बनाए होंगे, इसको आप लोगों ने ग्रुप कहा होगा या समूह कहा होगा या कालम कहा होगा अंग्रेजी में। तो आज मैं पहले आवर्त की बात करूं, तो एक बात आप याद रखो, इस आवर्त की संख्या और परमाणु के पास कक्षा की संख्या में संबंध है। तो इसके लिए एक नियम याद रखिए, याद करिए कि किसी परमाणु में, हम याद करें नियम, किसी परमाणु में कोषों की जो संख्या होती है, कोषों की संख्या वो बराबर होती है किसके, आवर्त की संख्या के, आवर्त संख्या के बराबर होती है। तो किसी परमाणु में कोषों की संख्या उस परमाणु के आवर्त संख्या के बराबर होती है। उदाहरण के लिए याद करिए, फर्स्ट पीरियड में कौन कौन एलिमेंट थे, खाली 2 ही थे, याद करो, एक था हाइड्रोजन और एक आपने पढ़ा था यहाँ पर कौन सा था, हीलियम। इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट पीरियड के जो दो तत्व हैं हाइड्रोजन और हीलियम, उनके पास खाली एक ही कोष होगा, एक ही कोष, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आपको आता है, लिख के देखा, एक कोष पाया जाएगा। अब जरा साथ ही सेकेंड पीरियड में कौन कौन एलिमेंट थे, यहाँ पर कौन सा था, यहाँ पर था आपका लिथियम, उसके बाद से बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियान, ये लोग थे। तो कोई पूछे कि बताओ इनमें से किसी भी तत्व के पास कुल कितने यहाँ पे कोष होंगे, तो आपका उत्तर हो जाएगा 2, यहाँ 2 कोष हो जाएंगे। इसी प्रकार से थर्ड पीरियड में जितने भी एलिमेंट होंगे सबके पास
तीन सेल होंगी क्योंकि थर्ड पीरियड का है। इसी प्रकार मान लो कोई पूछे हमारे जो सिक्स पीरियड यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स पाए जाएंगे उनके पास कुल मिलाकर के छह कोश या छह सेल पाए जाएंगे। तो इस तरह से आप आसानी से बता सकते हैं कि किस पीरियड में या एक किस एलिमेंट में कुल कितने पीरियड होंगे। यह कहो कि अगर हमको कोई बता दे किसी का परमाणु क्रमांक तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हम गिन लें कुल कितने सेल हैं, और जितना होता है सेल का नंबर वही उसके पास आवर्त की संख्या होती है। ये बात आप क्लास टेंथ में पढ़े थे। मैं जाओ एक उदाहरण के थ्रू आपको समझा दूं अगर इस बात को। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर तत्व हमारा है सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक आप जानते हैं 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे दिखाता है, तो आप जानते हैं फर्स्ट सेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में होते हैं 8 और थर्ड में होता है 1। इस तरह से सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते हो गया 2 8 1। तो कुल कितनी सेल्स हो गई, 1 2 3, तीन सेल्स हो गई। और जो होता है नंबर आप सेल वही होता है नंबर आप पीरियड। इसका मतलब सोडियम कहां पर मिलेगा, तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा। आप चाहे तो आपके पास टेंथ की बुक्स होगी वहां पर भी पीरियडिक टेबल है, इलेवेंथ में तो डिटेल में है, तो वहां भी आप चाहे चेक कर लेना कि सोडियम आपका यहीं पर पाया जाता है, इसी लिथियम के नीचे यहां पर सोडियम पाया जाता है। देखो तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो गया। ऐसे मान लो कोई हमसे पूछे कि किसी का परमाणु क्रमांक, हम कहते चलो यहाँ पर 19 है, पोटेशियम को ले लें, परमाणु क्रमांक 19 हो गया। इसका वही काम करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेना है, और ये क्या होता है आप जानते हैं, ये होता है 2 8 8 1। अब ये लो कुल कितने सेल हो गए, 1 2 3 4, चार कोश हो गए। तो जो होता है नंबर ऑफ सेल वही होता है आप जानते हैं नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि पोटेशियम आप अपने बुक में चेक कर लेना यहीं पर मिलेगा, चौथे पीरियड में सोडियम के नीचे यहाँ पर पोटेशियम है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक है उसका और उसके जो नंबर ऑफ सेल्स हैं उससे और इस तरह से पीरियड की संख्या से उसका संबंध होता है। हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा परमाणु किस पीरियड में पाया जाएगा। हमने आपको सेल बता दिया, सेल क्या होते हैं, आपने कहा था कि किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर बंद वृत्ताकार मार्ग होते हैं, इन्हीं बंद वृत्ताकार मार्गों को ही हम लोग सेल या कोश कहते हैं, और उन कोशों को हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 या KLMNOPQ से लिखते हैं।